हटो हटो है। कभी गाड़ी नहीं देखी क्या? मर्सिडीज इंजन गर्म हो गया है, वाइपर खराब हो गया है, टायर बस्ट हो गया है। बांगड़ू किसको बोला? बांगड़ू तुमको बोला? हमको? किसी और के सामने मत बोलना। अच्छा, इस गांव में कोई पुराना और समझदार आदमी है? हमको छोड़कर सब समझदार और पुराना है। काम क्या है? डोंट वेस्ट टाइम, टाइम इज मनी। हम जो पूछता है उसका जवाब दो। बहुत दिनों बाद ये कहने वाला आया, टाइम इज मनी, गिव मी मनी एंड टेक टाइम। ओके ओके, टेक मनी, टाइम। हमको एक इन्फॉर्मेशन दो। क्या इन्फॉर्मेशन है? इस टाउन में कोई शांति देवी नाम का औरत रहता है? इस गांव में शांति शांति है, देवियां ही देवियां हैं, औरतें ही औरतें। साइज बताइए, नाम बताइए। फोटो? अरे हम लड़की का फोटो नहीं देखता है। विश्वामित्र, विश्वामित्र, व्हाट विश्वामित्र? मेन का वाले। बहन तू ये देख, तू देख, तू देख। आप इन्हें जानती हैं? दूसरी कन्या की तस्वीर मुझे दिखा रहे हैं। अरे इनका चेहरा तो कुछ विजय की मम्मी जैसा लगता है, शांति देवी। वही तो है ये। लाइए माँ जी, मैं ले जाती हूँ। अभी नहीं, बाद में तुम्हें सब कुछ करना है। मिल गई, मिल गई, मिल गई। क्या मिल गई? शुभ घड़ी, माघ कृष्ण चतुर्दशी, दोनों चरणजीवों की मंगनी, वैसाख कृष्ण सप्तमी, शुक्रवार को दोनों के लगन की बहुत ही शुभ घड़ी है। अच्छा बहन जी, मैं चलता हूँ। पंडित जी, अपनी दक्षिणा तो लेते जाइए। सुखी रहो जजमान, सुखी रहो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जो भाई अब तो खुश हो ना? अरे मियाँ, यूं शर्मा क्या रहे हो? मन में तो लड्डू फूट रहा है, मगर इतना याद रखो कि मोती चूर के लड्डू जो न खाए वो भी पछताए और जो खाए वो भी पछताए। विजय क्या बात है? भैया ये हमारा पता पूछ रहे थे और मैंने अपने साथ ले आया, ये माँ से मिलना चाहते हैं। वकील हैं और बंबई से आए। वकील नहीं बाबा, बैरिस्टर बोल ली। हम लंदन से बैरिस्टर का डिग्री लेकर आए ले साहब जी। आइए आइए बैठिए। नमस्ते जी। नमस्ते। अपना शांति देवी छे जी? वेरी गुड। आप मेजर खुराना को जानते हैं? मेजर खुराना? लेकिन उन्हें मिले तो बरसों हो गए, क्यों क्या बात है? क्या है? हम उनका जो वकील, मेरा मतलब है बैरिस्टर है, बैरिस्टर दारू वाला। ये जो मेजर खुराना है ना, उनका तबीयत जरा बरोबर नहीं है, उनको कैंसर हो गया है, तो ऑपरेशन का वास्ते वो अमेरिका चले गए। अब उनका पोते का कोई फैमिली नहीं है, तो मेरा दिख रहा है ना अमर, उसका नाम एक वसीयत छोड़ गया मेरे पास। ये वसीयत के मुताबिक तुम्हारे भरे लड़के के नाम 30 लाख कैश, 20 लाख नकद बैंक में, 10 प्लास्टिक ना फैक्ट्री, अने बे बड़ा यूज अलीशान बंगला रखेला छे। क्या कह रहे हैं वकील साहब? अरे वकील नहीं बा, बैरिस्टर बोलनी। हम कितना दफा बोला तुमको, हम बैरिस्टर दिनसा दारू वाला है, लंदन से बैरिस्टर का डिग्री लेकर आया है। भाई वाह, इस शुभ घड़ी में क्या खुशी का पैगाम लेके आए आप। हुजूर, इस तरह पर्दा उठा तस्वीर से हुस्न का जलवा दुबाला हो गया। इसी को कहते हैं भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। देखो तुम कल सवेरे 10 बजे कोर्ट में आ जाना, हम तुम्हारा एफिडेविट तैयार रखेंगे और तुम्हारा वसीयतनामा तुम्हारे ताबे में दे देंगे। ठहरिए, हमें ये दौलत नहीं चाहिए। आप क्या बोलता है बहन, जरा सोच समझ कर तो बोलो। मैं सोच कर ही बोल रही हूँ। शांति देवी, इतनी दौलत, इतना धन इस तरह ठुकराना? हाँ भाई साहब, पैसा जहाँ सुख लाता है वहाँ हजार बुराइयां भी लाता है अपने साथ। मैं अपने हरे भरे संसार को अपनी आंखों के सामने उजड़ता नहीं देख सकती। नहीं शांति बहन, दौलत खुशहाल जिंदगी की जमानत है, दौलत के होने से नहीं, न होने से अक्सर घर बर्बाद हो जाते हैं। नहीं भाई साहब, जो भी हो
अपने बच्चों की मेहनत की कमाई में जो सुख और शांति है वो किसी और की दी हुई करोड़ों की दौलत में नहीं। आप जा सकते हैं। शांति देवी के बेटे प्रोफेसर अमर के नाम, और उन्होंने इस जायदाद को लेने से साफ इनकार कर दिया। ऊपर वाले मनी ऑर्डर तो भेजता है मगर गलत पते पर। अरे मेरे पते पर भेजा होता तो मैंने ले लिया होता। हो गई ना इंसेंट। एक बात समझ में नहीं आती। कौन सी बात? हाँ कौन सी बात समझ में नहीं आती? लोगों को इतनी जायदाद मिले और वो लेने से इनकार कर दे। अरे इसके लिए कैरेक्टर होना चाहिए, कैरेक्टर आर्टिस्ट होना चाहिए, आदमी में दम होना चाहिए। तुम्हारे सामने मैं मिसाल खड़ा हूँ। क्या बात कर रहे हो? अरे तू आज की मेरी हालत को मत देख, खंडर बता रहे हैं इमारत बुलंद थी, क्या बॉडी थी मेरी टाटा ट्रक की तरह। जब मैं बाटा के जूते पहनकर सड़क पर चलता था ना तो लड़कियां खिड़कियों से निकल निकल कर मुझसे कहती थी टाटा टाटा टाटा। मगर मैं बिना हॉर्न बजाए बिना किसी को लिफ्ट दिए धन धनाता हुआ निकल जाता था। मगर एक दिन एक चौराहे पे मेरा ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि क्या बताऊं, क्या लड़की थी मुझ पर मर मिटी। उस लड़की का बाप करोड़पति, मगर मैंने इनकार कर दिया। क्यों? उस वक्त तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई हुई थी? अकल वही थी मगर कैरेक्टर, यार कैरेक्टर। मैंने कहा था ना आदमी में दम होना चाहिए, मैंने करोड़पति को ठुकरा कर एक गरीब को गले लगा लिया। तुम जानते हो वो गरीब कौन था? ये तुम्हारी जो भाभी है ना इसका बाप था, और वो गरीब भी ऐसा कि गरीब देखें तो उन्हें अपने ऊपर शर्म आ जाए। भिखारी कहीं का, हाथ में ठीकरा लिए दर बदर की ठोकरें खाता था। रोज मेरे घर पे आए, कहे मेरी लड़की का हाथ अपने हाथ में ले लो, मेरी लड़की को अपना बना लो। बस मेरे दिल में दया आ गई, मैंने कहा अच्छा अपना बना ही लेता हूँ। अच्छा? तुम जानते तो हो। अरे तुम्हारी ये भाभी क्या इस लायक थी कि कोई इसे अपना बनाता? अरे न सूरत न शकल न भेजे में अकल, बिल्कुल मिट्टी का पुतला मैं ले आया। बेकार की चक्की। ये क्या चल रहा है? बेलन बेलन। इसी तरह ख्वाब में बेलन चल रहा था, इतने में मेरी खटिया खड़ी हो गई, मेरा ख्वाब टूट गया। अब मैं तेरा सर तोड़ूंगी। मैं काम चलाऊं? नहीं, मेरे भेजे में अकल नहीं है, बहुत है। मैं मिट्टी का पुतला? नहीं नहीं, मेरा बाप भिखारी? नहीं सॉरी, गैरेज तेरे बाप ने दिया था? नहीं नहीं। अरे मेरे बाप और भाई के पास इतना पैसा है कि तुझ जैसे सौ सौ खरीद कर दूर दूर तक फेंक दे तो पता ही नहीं चले। अरे तेरे जैसे तो नौकर भी नहीं रखे घर में। ये तो मेरी अकल मारी गई थी कि मैंने तुझसे शादी की। अरे तो मैं तुम्हारा पति हूँ ना, अगर पति जरा पब्लिक में झूठ बोल देगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अब मैं तेरा बिगड़ दूंगी। दरवाजा बंद करूं? नहीं टाइम नहीं है, तुमसे हमसा नहीं जमला, गया हाथ से बगला। अरे वो दरवाजा बंद नहीं कर सकता, ये दरवाजा खोल नहीं सकता। पलंग बोट लाऊं तिथे कुदकुदिया कुतिया भोक नहीं, मेरी बात मान जा, बिस्किट खिलाऊंगा, चॉकलेट खिलाऊंगा, टॉफी खिलाऊंगा। अरे चाचा मेरे बीच पड़ेगा तारा। चाचा चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। आओ रानी पलंग के नीचे। डरपोक चूहे, डर के पलंग के नीचे घुस क्या? मैं इस घर का मालिक हूँ, मेरा जी चाहेगा पलंग के नीचे लेटूंगा, मेरा जी चाहेगा पलंग के ऊपर लेटूंगा। निकलो बाहर, निकलो, निकलो बाहर, कभी निकलो, किसी वक्त निकलो। क्या हो रहा है? अपने भैया से ही पूछो। भैया बहन बाहर गर्मी बहुत थी, मैं नीचे एयर कंडीशन में घुसा हुआ था। अच्छा भैया, अंकल दिमेलो के रेस्टोरेंट में आज बंबई से नया बैंड आया है। अच्छा, डिस्को बीट है। मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही है, मैं जाऊं? मैं भी चलता हूं। थैंक यू भैया, बाय भाभी। अरे तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारा डिस्को तो मैं यहां कराऊंगी। ये डिस्को और ये को, ये डिस्को और ये को, ये डिस्को, ये को, ये डिस्को।
अरे दुनिया की भाई बेचारे अंकल डिमेलो, उनका डिस्को तो कुश्ती का अखाड़ा हो गया। अरे आज विक्की भी क्या याद करेगा कि किसी से पाला पड़ा था। उसकी तो बोलती बंद हो गई। लेकिन शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि तुम डर गए हो। मैं डर गया था? अभी बताता हूँ तुझे कौन डर गया था। अरे विजय, मैं भी ये पूछना चाहती थी कि ये मेजर खुराना है कौन? तुम्हारे कोई रिश्तेदार है? कौन है, क्या रिश्ता है, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। लाओ तुम्हारे जख्म साफ कर दो। देर हो रही है। बस थोड़ी ही देर। एक बात पूछूं बेटे? हाँ पूछो। वैसे हर माँ अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी औलाद की खुशियों का ख्याल रखती है, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वो लाखों करोड़ों की वसीयत को ठुकराकर मैंने तुमसे नाइंसाफी तो नहीं की। कैसी बातें करती हो मां, तुमने ऐसे सोचा ही क्यों? तुम्हारी मर्जी मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है बेटे। एक बात है मां, ये मेजर खुराना जरूर हमारे दूर के रिश्तेदार होंगे, लेकिन पहले तो कभी इनका जिक्र नहीं हुआ। वो बात ये। हां मां, यही सवाल तो आज सब लोगों की जुबान पर है। तुम बाहर खड़े क्या कर रहे हो? अंदर आओ। अरे ये क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं मां, मां से इतनी बेरुखी से बात करती हूँ। ठीक है ठीक है, तुम बैठ जाओ, खाना खा लो। ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं भैया, मैं अब कोई बच्चा थोड़ी हूँ। जरा सी तो चोट आई है। चोट आई कैसे? यूं ही झगड़ा हो गया था। यह शहर भी अजीब है भैया, दिल करता है भाग जाऊं यहां से। कैसी गंदी गंदी बातें सोचते हैं लोग। अभी तक तो हमने जायदाद ली भी नहीं, अगर ले लेते ना जाने क्या क्या बकते। लगता है शहर आ गया। ये सर, पहले रेस्टोरेंट चले? नहीं, आप वहां चलिए, मैं सीधा शांति देवी के घर जाता हूं। नमस्ते। नमस्ते। शांति देवी हैं? जी नहीं, वो मंदिर गई हैं। अच्छा, मैं थोड़ी देर यहां इंतजार कर सकता हूं? जी पधारिए, वो बस आती ही होंगी। ये तस्वीर उनके बेटे की है? जी हाँ, छोटे बेटे विजय की। अच्छा। कॉलेज में पढ़ता है। अच्छा, और वो? उनके बड़े बेटे अमर की, ये प्रोफेसर हैं। घर में है? जी नहीं, किसी स्कूल में कोई कार्यक्रम है, वहाँ पर गए हैं। अच्छा, अब बैठिए, मैं चाय का प्रबंध करता हूँ। Good morning, sir. Good morning. How are I'm you? I'm fine, sir.
आपकी मेहरबानी है। डॉक्टर, I have to attend a meeting with the board of directors. कितना टाइम लगेगा? जरा जल्दी करवाइए, because you know time is money. Please, Mr. Fernandez. Sorry sir. Don't worry sir. डॉक्टर साहब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। Good. सर हमें आपसे एक बात करनी थी। क्यों, क्या बात है? हमारी डोनेशन तो पहुंच गई होगी। जी हाँ, 51,000 का चेक तो हमने भिजवा दिया था। आइए सर। डॉक्टर रफीक। Yes. मेजर खुराना। रफीक, अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो मैं जरूर कहता कि मेरे सामने कोई भूत खड़ा होता। यू सन ऑफ अ गन, गले मिलने के बजाय भूत मिला रहा है। यू रास्कल, आई कांट बिलीव इट। मैं तो आज तक यही सोचता रहा कि तुम मर चुके हो। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, हाउ स्टूपिड ऑफ मी। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था कि शैतान कभी नहीं मरता। देखो यार, वॉर में मिसिंग और डेड में ज्यादा फर्क नहीं होता। मैं मिसिंग था, उन्होंने डेड डिक्लेयर कर दिया। ओह, आई सी। लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं तो चेकअप के लिए आया हूँ। मिस्टर दौलतराम। जी सर। का केस पेपर भिजवाए? भिजवा दिया हुजूर। देन यू नो, ओ प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा केस। क्या हुआ मिया, विधवा बीवी जैसा मुंह बना लिया? आमा सिर्फ कैंसर ही है। कुछ देर के लिए मुझे दोस्ती के फर्ज ने ये भुला दिया कि मैं डॉक्टर भी हूं। कम ऑन, लेट्स गो। आओ। अरे यार, मैं तो बोर हो गया हूं, क्या है? अरे आओ यार। अब मुझे कोई लगाव नहीं रहा, हर तरह से जी लिए, मजाक की, अब है ही क्या, किसके लिए जिंदा रहना, न बीवी न कोई बच्चा। क्या बात कर रहे हो यार, अब तो तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा हो गया होगा। बेटा, क्या बात कर रहे हो? इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक? नहीं यार, तुम्हारे मिलने की खुशी में मैं शांति भाभी और तुम्हारे बेटे के बारे में पूछना ही भूल गया। जब मैंने देखा था इतना सा था। रफीक, रफीक, ये मजाक का वक्त नहीं है, मजाक मत करो। तुमने मेरे बेटे को देखा है? सचमुच अपनी आंखों से देखा है? हाँ, अपनी आंखों से देखा है, बाखुदा देखा है। क्या बात है, क्यों? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। क्या बात है गिरीश? कैसे? आओ बैठो, आओ। शांति देव ने आओ बताया नहीं कुछ? डॉक्टर, डॉक्टर, मुझे बचाओ प्लीज, आई वांट टू लिव। मुझे बचाओ डॉक्टर, मुझे बचाओ, मैं जीना चाहता हूं, प्लीज डॉक्टर मुझे बचाओ। कहिए। आप शांति? हैरान हो गई मुझे देखकर। हाँ, आपको यहां आते हुए जरा भी झिझक नहीं हुई? पहले तो आपने अपनी दौलत का डंका बजाया और फिर खुदा धमके। आखिर शहर वाले क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे कि आप अपनी जमीन जायदाद धन दौलत हमें क्यों देना चाहते हैं? कुदरत के फैसले को जो अपने नसीब मान ले वही एक अकलमंद इंसान है। हाँ बेशक, तुम अकलमंद हो और मैं बेवकूफ। मरकर जब मैं दोबारा जिंदा हुआ और अपने प्यार के निशानों को ढूंढता हुआ तुम्हारे घर पर पहुंचा तो तुमने मुझे दरवाजे से ही लौटा दिया, ये भी नहीं बताया कि मेरा बेटा भी है। मां की ममता ने मेरी जुबान पर ताले डाल दिए थे। शांति, मां का सहारा तो इतने दिन तक बना रहा, कुछ दिनों के लिए,
सिर्फ कुछ दिनों के लिए बेटे को बीमार बाप का सहारा बने दो। क्या? हाँ, ताकि कुछ दिनों के लिए हंसी खुशी से जी सको। कैसे बाप हो, अपनी खुशी के लिए औलाद की खुशी में जहर घोलना चाहते हो? मैं अमर से कैसे कह सकूंगी कि जिसे बाप समझकर वो अब तक पूछता रहा वो सिर्फ एक साया था, एक झूठ, एक धोखा था, जो बचपन से मैं उसे बोलती रही। जब उसे पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी कि अवतार कॉल नहीं, तुम उसके बाप हो। भगवान के लिए जिद मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने जवान बेटे के सामने अपने कल के बारे में बात कर सकूं। तुम में अगर हिम्मत नहीं है तो मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं, वो कौन है मेरा। जब भगवान बंदों के गुनाहों को माफ कर सकता है तो क्या औलाद मां बाप को माफ नहीं करेगी? नहीं शांति, अमर को बताना तो पड़ेगा ही। कैसे बताना है यह फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। आइए आइए प्रोफेसर साहब, आइए पधारिए। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? एक अंगूठी दिखाइए अच्छी सी। हाँ जी जरूर जरूर, ये देखिए। दूसरी दिखाइए ना। हाँ जी जरूर, ये देखिए। कैसी लगी? मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है। कब है सगाई आपकी अमर बाबू? इसी सोमवार। क्या कीमत है इसकी? अजी कीमत का क्या, वो तो ले ही लेंगे। मैं आपको शादी के लिए कुछ नए डिजाइन दिखाता हूँ। ये देख, एकदम नए डिजाइन के सेट है ये। वाओ, खूबसूरत है ना अमर? हाँ है तो, लेकिन इसकी कीमत भी उतनी ही खूबसूरत होगी। अजी खूबसूरती की कीमत नहीं देखी जाती अमर बाबू। सेठ जी दिल तो मेरा भी करता है ले लूं, लेकिन अपनी जेब भी तो देखनी पड़ती है। और सुनिए, आप एक प्रोफेसर की बीवी बनने वाली है, किसी फिल्म स्टार की नहीं। उस रिंग की क्या कीमत है सेठ जी? अजी सिर्फ 1200 रुपए। 1200? आपने तो मेरी पूरी पर्स ही खाली कर दी। ये लीजिए पूरे 1200। बात करते हैं, चलिए। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते। ये गहने तो क्या, मैं तुम्हारे लिए सारा जहां खरीद सकता, मगर नसीब की बात है कि तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैं बदनसीब तुम्हारा बाप। सेठ जी, मैं आपको क्या दिखाऊं सेठ जी? आप मेरे लिए ये पैक कर दीजिए। है? जी हाँ जरूर जरूर जरूर। कल मेरे बेटी की मंगनी है, मुझे बुलाना तो अलग रहा, तुमने मुझे उस खुशी के बारे में बताया भी नहीं। इसमें अमर की भलाई है। क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं अपने बेटे की खुशियां देख सकूं? तुम्हारी खुशियां कहीं अमर की बर्बादी का सामान न बन जाए। शांति, मैं एक माँ हूं, हर माँ यही चाहेगी कि वो अपनी औलाद की जिंदगी में खुशियां भर दे। तुम्हारी जिंदगी में उजाला करने के लिए मैं अपने बेटे की जिंदगी में अंधेरा नहीं भर सकती। बेहतर यही होगा कि तुम मंगनी की पार्टी में नहीं आओगे। तो ये उन्हीं लोगों की हाँ। गाड़ी है, इसका मतलब हुआ कि वो इसी टाउन में है। टाउन में क्या, रेस्ट हाउस में? अच्छा याद आया, तुम तो कॉलेज जा रहे हो ना। हाँ। रास्ते में ही रेस्ट हाउस पड़ता है, ये गाड़ी उन तक पहुंचा दो। पहुंचा दो भैया, मैं तुम्हारी लाचारी को ठीक करता हूँ। संभाल के इस दुल्हन को इसकी ससुराल तक पहुंचा दो। संभालना संभालना, चाबी सीधी घुमाना। हाँ ठीक क्या रहा है।
क्या क्या अरमान, क्या क्या उम्मीदें लेकर आया था मैं शहर। जब डॉक्टर से पता चला कि अमर मेरा बेटा है तो उसे एक नजर देखने के लिए मौत के मुंह से जिंदगी की भीख मांगी थी। आज वही जिंदगी नासूर बन चुकी। मगर अमर को यह मालूम भी तो नहीं कि आप उसके पिताजी हैं। यही तो दुख है, वो सामने होते हुए भी मैं उसे बेटा नहीं कह सका, अपने गले नहीं लगा सका। बाप होते हुए भी बेटे की मंगनी में शामिल नहीं हो सकता, उसे आशीर्वाद नहीं दे सकता। जिंदगी का ये एहसान है, प्यार हम पर मेहरबान है। मेहरबान है जिंदगी का ये एहसान है, प्यार हम पर मेहरबान है। मिल गया तेरा हाथ उम्र भर साथ साथ, मिल गया तेरा हाथ उम्र भर साथ साथ। दिल में जीने का फरमान हम पर मेहरबान है, जिंदगी का ये एहसान है, प्यार हम पर मेहरबान है। चाहत लिए कोई चाहे हमें और क्या चाहिए, आ गया कोई जीवन में चाहत लिए कोई चाहे हमें और क्या चाहिए। उनका जीना सफल उनका मरना सफल, यार ही जिनका ईमान है, प्यार हम पर मेहरबान है। आज लब पर जो मुस्कान है कल के अश्कों से अनजान है, आज लब पर जो मुस्कान है कल के अश्कों से अनजान है। ये न भूलो सनम हर खुशी में है गम, ये न भूलो सनम हर खुशी में है गम, हर किनारे पे तूफान है कल के अशकों से अनजान है। आज लब पर जो मुस्कान है कल के अशकों से अनजान है। सबसे करके जफा ढूंढता है वफा, कितना नादान इंसान है कल के अश्क
जान है, जिंदगी का ये एहसान है, प्यार हम पर मेहरबान है। खूबसूरत तो है ये छलावा सही, प्यार होकर दिखावा दिखावा सही, खूबसूरत तो है ये छलावा सही, आज जैसा भी हो इसको स्वीकार लो, कल पे क्यों आज हैरान है, प्यार हम पर मेहरबान है, ये एहसान है, प्यार हम पर मेहरबान है। ये क्या है, किसने भेजा है? शांति देवी, आपकी होने वाली बहू के लिए मेजर साहब ने ये तोहफा भेजा है। मेजर साहब, ये देखिए, और ये। भाई वाह, तोहफा तो तोहफा, भेजने का अंदाज भी बिल्कुल नहीं रहा। हुजूर, सारे गुलशन के फूल चुनकर सजा दी है डोली प्यार के नजराने की, लगता है पूरा देश ही भेज दिया है। अरे अमर, दीप्ति, तुम लोग वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इधर आओ, ये तोहफा तुम्हारे लिए है। अरे ये तो वही हार है जो हमने पसंद किया था, मैं पहन के देखूं? हाँ, एक मिनट माँ। ये तोहफा हम कैसे ले सकते हैं? क्यों, क्या बात है बहन जी? मेरा मतलब है, इतना कीमती तोहफा। नहीं नहीं, कीमती तोहफा तो है, लेकिन ऐसी शुभ घड़ी में इसे लौटाना भी ठीक नहीं। जी हाँ, प्रेम और भावना को कीमत के तराजू से नहीं तोला जा सकता। बिल्कुल नहीं भाभी, ये तोहफा इस लायक नहीं जो इस घर की शान बन सके। विजय। हाँ भैया, हम मेजर खुराना की कोई चीज नहीं लेंगे, ले जाओ इसे और निकल जाओ इधर से। जी ऐसे गेट आउट। ये क्या पता है, खराय लोगों के साथ ऐसे सलूक किया जाता है? बिल्कुल, कुछ लोग इसी सलूक के लायक होते हैं। अमर बेटे, मैं जानती हूँ उसकी नादानी की वजह से तेरी पार्टी खराब हो गई, इस वक्त तू गुस्से में है, गुस्सा थूक दे वरना कहीं ऐसा ना हो। मगर माँ, मुझे उसे पूछने तो दो, उसने ऐसा किया क्यों? विजय, क्या है? कल तक जो बेशर्मी तुम गली बाजारों में करते थे, वही नाटक तुमने घर में भी शुरू कर दिया। अरे महफिल में अपने होने वाली भाभी को जलील करते हुए और मेहमानों की बेइज्जती करते हुए अपनी मां की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? मेहमान, उन कुत्तों को तुम पुचकारो, मुझे ना तो कोई उनसे लालच है और ना ही उनके मालिक मेजर खुराना से। मैं लालची होता तो उनकी सारी दौलत ना ठुकराता,
आज गहने ले रहे थे, कल जायदाद भी ले लोगे? तुमने कभी यह भी सोचा है कि मेजर खुराना सारी जायदाद तुम्हारे नाम ही क्यों लिखना चाहता है, मेरे नाम क्यों नहीं? ऐसा कौन सा रिश्ता है उसका तुमसे जिसमें मैं शामिल नहीं? कौन हो तुम उसके? बकवास बंद करो। तुम शायद भूल गए हो कि इस वक्त तुम अपने बड़े भाई से बात कर रहे हो। कौन किसका भाई? कौन किसका भाई? हाँ, ये तो झूठ की वो गुट्टी है जो हमें बचपन से पिलाई गई है। होश में आओ विजय। होश? होश में आने का ही तो अफसोस है। इस आग में मैं जल रहा हूं ना, अगर तुम जलना चाहते हो तो सुनो, तुम मेरे भाई हो ही नहीं। तुम मेजर खुराना का वो बाप हो जो माँ ने मेरे बाप के नाम लिख दिया था। माँ पर कीचड़ उछालने से पहले तेरी जबान पथरा क्यों नहीं गई? तुम आज मुझ पर हाथ उठा सकते हो, मगर कल किस किस की जुबान काटोगे? आखिर सच तो सच है, कब तक छुपा रहेगा? कल हर आदमी की जुबान पर यही बात होगी कि प्रोफेसर अमर मेजर खुराना की नाजायज औलाद है। नहीं जी, भगवान के लिए चुप। मैंने तो सुन लिया, मगर मां सुनेगी तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। क्या फर्क पड़ेगा मेरे चुप रहने से? ये तो एक ऐसा सच है जो कल विधवा की मांग में सिंदूर की तरह चमकेगा। मां, से हारे द्वार तुम्हारे आ पहुंचे राम, अपनी शरण में ले लो राम। जय राम, जय राम, जय राम, जय जय कर को भी कंचन कर दे पावन तेरो धाम, पावन तेरो धाम। जग से हारे द्वार तुम्हारे आ पहुंचे राम, अपनी शरण में नी
करनी साथ में जाए, अंत समय कोई काम न आए, अपनी करनी साथ में जाए। तूफानों में जैसे किनारा एक तुम्हारा नाम, एक तुम्हारा नाम। जग से हारे द्वार तुम्हारे आ पहुँचे राम अपनी शरण में। अपनी शरण में ले लो राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम। अपनी शरण भगवान को सब कुछ बता दिया है। तुम कुछ जानना चाहते हो? नहीं मां, ना मैं कुछ जानना चाहता हूं, ना ही कुछ पूछना चाहता हूं। लेकिन विजय, उसकी बात छोड़ो मां, घर चलो। मैंने तो अब संसार त्यागने की ठानी है। कैसी बातें करती हो मां? हां बेटा, औरत का जन्म ही बलिदान का नाम है। कदम कदम पर तरह तरह से उसकी परीक्षा ली जाती है। सीता को पवित्र होकर भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, वो तो साक्षात देवी थी। लेकिन इस धरती पर ऐसी औरत कोई भी नहीं हुई होगी जिसे अपने जवान बेटे के सामने अपनी पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ी हो। मैं इस परीक्षा से कैसे गुजरूंगी? सच्चाई का हक कैसे अदा करूंगी? सच्चाई का हक तो ये है कि मैं तुम्हें भगवान से ऊपर समझता हूं। मैं तो क्या, दुनिया में ना कोई ऐसा बेटा हुआ है और ना होगा जो अपनी मां की परीक्षा ले। बेटे मेरे पास आओ। चलो मां, घर चलो। अब तो विजय भी तुम्हें लेने है। घर नहीं, अब तो बहुत देर हो चुकी है।
माँ वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। इस जमाने में ईमानदार आदमी के लिए कोई जगह नहीं। क्या कह रहे थे प्रिंसिपल साहब? मैंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा? कॉलेज के ट्रस्टियों का ख्याल है कि मेरे कॉलेज में रहने से ना सिर्फ कॉलेज की बदनामी होगी बल्कि स्टूडेंट्स पर भी खराब असर पड़ेगा। कुछ समझ में नहीं आता अमर, अगर प्रिंसिपल साहब ही तुम्हें नहीं समझे तो फिर और कौन समझेगा? जब ट्रस्टियों ने डिसीजन ले ही लिया है तो बेचारे प्रिंसिपल साहब क्या कर सकते हैं? सर सुना आप जा रहे हैं सर? तुम्हें कैसे पता चला? सर सारा कॉलेज बातें कर रहा है। कॉलेज की बदनामी की आड़ लेकर ये लोग एक शरीफ और नेक आदमी पर बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं सर। सर आप बोलो तो हम लोग स्ट्राइक कर दें, कॉलेज की इंसिडेंट बचा दें। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है विकी। आई एम सॉरी सर। सर आप हमेशा मुझ पर नाराज रहे, आपने मुझे सजा भी दी, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मुझे दिल से कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं आप मुझे। सर सर कोई किसे किसी दूसरे को अपना समझता है तभी तो उस पर हाथ उठाता है। सर आप चले जाएंगे तो मुझ पर नहीं। विकी आगे चल के तुम बहुत अच्छे आदमी बनोगे, बहुत बड़े आदमी बनोगे। आई विश यू ऑल द सक्सेस। थैंक यू सर। सर आपके सम्मान में हम लोगों ने एक छोटा सा फेयरवेल ऑर्गेनाइज किया सर। सर जल्दी में तो कुछ कर ना पाए जो कुछ सर, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम लोगों के दिलों में आपके लिए क्या इज्जत है, क्या समझते हैं सर, उसके लिए ऑर्गेनाइज किया सर। आप एक मिनट सर मेरे साथ प्लीज। सर आइए सर। अटेंशन, नंबर एक आगे बढ़, पीछे मुड़, नंबर दो आगे बढ़, पीछे मुड़, नंबर तीन आगे बढ़, पीछे मुड़, नंबर चार आगे बढ़, पीछे मुड़, नंबर पांच आगे बढ़, पीछे मुड़, नंबर छह आगे बढ़, पीछे मुड़, नंबर सात आगे बढ़, पीछे मुड़। बास्टर्ड हरामी। तुमने विजय को कहीं देखा है? नहीं, मैंने तो विजय को कहीं नहीं देखा। वो तीन चार दिन से कॉलेज भी नहीं आ रहा। मैं खुद उसे ढूंढ रहा था, मैंने सोचा शायद तुम्हें कुछ पता हो। नहीं, मैंने तो कई दिनों से उसे नहीं देखा। कल संडे है, मैं उसे ढूंढने जाऊंगा और जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। डोंट वरी। हां क्या बात है गुरु, आज तुम्हारा मूड ही कुछ बदला हुआ है? मूड तो इस लड़की ने बदल दिया है। अगर ये मेरी जिंदगी में ना आए ना
तो मेरी जिंदगी हराम हो जाएगी। अरे यार, तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम आशिक हो गए हो। वरना आज तक तो तुम्हारा काम भी बन गया होता। काम कैसे बन गया होता? वो विजय जो है, अरे अब उसके खानदान में कौन अपनी लड़की देगा। बिल्कुल, उसकी इज्जत तब तक थी जब उसका भाई प्रोफेसर था। तुम्हें अर्चना से शादी करनी है ना, चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे मूंछों वाले, शेविंग करने के बाद तो 10 साल जवान और लगने लगा। तू क्या कहा तुमने? अरे जाने मन, शेविंग करने के बाद मैं 10 साल जवान नहीं लग रहा। ऐसी बात है तो रात को सोने से पहले शेव किया करो ना। अरे तो अभी क्या फर्क पड़ा है, चलो अंदर। साहब कौन है, किस टाइम आ गया तू? तुम जाओ। जाता हूँ मैं। बन गए जवान, पहचाना इन्हें? अरे साहब इनको नहीं पहचाना, गुरु घंटाल है ये तो। नमस्ते नमस्ते। वो मेरा बाप था। हाँ जी। जरा सोचो। मैं सोच रहा हूँ। शहर का सबसे बड़ा रईस तुम्हारे सामने खड़ा है। अजी साहब, शहर का सबसे बड़ा गरीब आपके सामने खड़ा है। वो जो आपकी बनाई थी ना, वो स्कूटर, उसके 26 रूपए 25 नए पैसे बाकी हैं। कर्जा तो चुका दीजिए आप। अरे वो कर्जा तो क्या, हम तो तुम्हारे सर से तुम्हारे फर्ज का बोझा उतारने के लिए आए हैं। बोझा? मेरे ऊपर तो कोई भी बोझा नहीं है। अरे जरा तुम इसे समझाओ और अच्छी तरह से समझाना। समझ लो भाई। हाँ जी, समझाइए। समझने की कोशिश कीजिए भाई साहब। जी मैं कर रहा हूँ कोशिश। आपकी एक बहन है ना? जी हाँ, वो आपकी भी बहन है। उसकी शादी की फिक्र है कि नहीं आपको? अजी साहब, उसकी शादी की बहुत फिक्र है। मैं मोमबत्ती की तरह पिघला जा रहा हूँ। ये विक्की जी आपकी बहन का हाथ मांगने आए हैं। विक्की जी हाथ मांगने आए हैं? हाँ, शादी करना चाहते हैं आपकी बहन से। मैं जो विक्की जी, अब हट दे। क्या है, जम गई बात। हमारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। भूसा भरा हुआ? इतना अच्छा शरीफ पैसे वाला खानदानी पढ़ा लिखा वर तुम्हें ऊपर वाला छप्पर फाड़ के दे रहा है और तुम हो के इनकार कर रहे हो। ऊपर वाला फाड़ के छप्पर दे रहा है और मैं इनकार कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, लेकिन पहले मुझे अर्चना से पूछना चाहिए। मुझे सोचने दो। सोचने दो, तुम्हारे पास दिमाग है, मेरे दिमाग से काम लो। तुम्हारे दिमाग से काम ले लूं? हाँ। नहीं, उनसे कहो कि हमें मंजूर है। नहीं मुझे मंजूर नहीं। जाओ कहो, मंजूर है। नहीं नहीं मंजूर है। अरे क्या मंजूर है भाई? अरे वही जो तुमको मंजूर है, मंजूर है हमको। तो हो जाए मंगनी फटाफट। हाँ हाँ हो जाए मंगनी, लेकिन 4 दिन बाद होगी, वहाँ जाना है ना। हाँ, मेरे भाई की शादी है, जाना है। हाँ हाँ, पहले जोरू के भाई की शादी होगी, फिर मेरी बहन की शादी होगी। सोने की चूड़िया? हाँ, सोने की चूड़िया। कोई बात नहीं, जब आप लोग वापस आ जाओगे तब रस्म पूरी कर लेंगे। कर लेंगे। मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो दूर से। विजय, विजय क्या हो गया तुम्हें? कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। तुम अपने घर वापस चली जाओ। घर? किस मुंह से जाऊं अपने घर? कहाँ से लाऊं वो जुबान जिससे अपने भाई को बता सकूं कि मैं माँ बनने वाली हूँ? माँ? हाँ। तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? नहीं विजय। विजय, अगर इस वक्त तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं न जाने क्या कर बैठूंगी। तुम्हें चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। मेरी आंखों में सिर्फ एक ही नजारा है, मेजर खुराना की मौत। सॉरी अर्चना। विजय, क्या बात है? वो मेजर साहब को भी बहुत सदमा पहुंचा है। उनकी इच्छा है कि शांति देवी के फूल वो खुद अपने हाथ से गंगा में अर्पण करें। क्यों जी? मैं पूछता हूं उनकी ये इच्छा क्यों है? ये तो भावना की बात है अमर बाबू, आखिर शांति देवी पर कुछ उनका भी तो अधिकार था। निकल जाओ यहां से और अपने मेजर साहब से कह दो जाकर, इस घर की तरफ रुख भी किया तो मैं खून करने से भी पीछे नहीं हटूंगा। अमर बाबू, आई से गेट आउट।
अटेम्प्ट केस ऑफ मर्डर दफा 307 जल्दी पुलिस को फोन करो टाइम इज मनी गो पुलिस को टेलीफोन करने की कोई जरूरत नहीं बट सर छोड़ो इसे आपकी जान को खतरा है मैंने कहा ना आप चले जाइए क्या मिलेगा मेरी जान लेकर मेरी मरी हुई मां की आत्मा को शांति वो बेबस थी लेकिन मैं मजबूर नहीं शांति की मौत एक हादसा था ऐसा हादसा जिसके शिकार हम एक बार पहले भी हो चुके हैं फिर ये बदले की भावना क्यों वो भी अपने बाप से तुम बाप नहीं एक खुदगर्ज इंसान हो मेजर खुराना जिसने अपनी चंद खुशियों के लिए कितने मासूम लोगों की जिंदगी में जहर खोला नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा मैं इतना बेगैरत नहीं हूं ये तो मेरी जिंदगी है जो इस लाश से इसलिए लिपटी हुई है कि मेरी आत्मा को तुम्हारे प्यार की प्यास है प्यार की प्यास ये अरमान दिल में ही लेकर मरोगे तुम तो तुम अपने अरमान पूरे कर लो मैं तुम्हारे लिए यहां आया था जब तुम ही मेरे ना हुए तो जीना किसके लिए कम ऑन किल मी सिर्फ एक ख्वाहिश है जो पूरी कर देना हो सके तो मेरे मरने के बाद मेरी चिता को आग तुम ही देना अफसोस तुम्हारी मां तो तुम्हें कुछ बताए बगैर ही इस दुनिया से चली गई वरना तुम इस तरह मेरे खून के प्यासे ना होते अमर 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 मत जाओ कौन हो सकता है बेहतर यही कि आप यहां से चले जाएं। अमर आपको तो कुछ मिला नहीं लेकिन हमने बहुत कुछ खो दिया विजय विजय तुम यहां क्या बात है छोड़ दीजिए मुझे मैं मर जाना चाहती हूँ मुझे मर जाने मरने की बातें छोड़ो आखिर हुआ क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है नहीं अर्चना रो मत विजय से झगड़ा हुआ ऐसा नहीं होने विजय ऐसा नहीं कर सकता ये कहानी हमारे खानदान में दोबारा दोहराई नहीं जाएगी तुम पर वो नहीं बीतेगी अर्चना जो मेरी मां पर बीत चुकी है विजय को तुम्हें अपनाना ही होगा अर्चना
रहते हो तुम आजकल? क्यों? मैं कल भी यहां और आज भी बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मेरा इंतजार? किस लिए? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था जिस जुर्म के लिए तुम मेजर खुराना की जान लेना चाहते थे? आज वही गुनाह तुम खुद कर रहे हो। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं वही कहना चाहता हूं जिसकी वजह से हमारे घर की सुख शांति लुट चुकी थी। हमारी मां हमसे छिन गई। मां की मौत? मेजर खुराना और तुम हो। मैं? मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देख तो लिया होता। अर्चना की कोख में अपने गुनाहों का जहर भरकर तुमने आज उसे मौत के रहमोगरम पर छोड़ दिया। मैं उसे छोड़ू या अपनाऊं वो मेरा जाती मामला है। मैं उसमें किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम एक बार फिर वही कहानी दोहराओ जिसकी वजह से हमारी जिंदगी नर्क की आग में चल रही है। अर्चना तुम्हारा इंतजार करिए घर पे, चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगा। तुम सीधे सीधे चलते हो या नहीं? मैंने कहा ना कि नहीं जाऊंगा। बदतमीज। मैं तुम्हें अर्चना की जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही। मैं कहता हूं चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगा। चलोगे हैं? मैं कहता हूं रुक जाओ भैया वरना। वो हमारी मां की मौत नहीं मरेगी। उसका बच्चा वो नहीं होगा जो मुझे समझते हैं। समझे? मैं पूछता हूं तू चलता है या नहीं? नहीं, नहीं जाएगा। मैं आखिरी बार तुझसे पूछता हूं। मैंने कहा ना कि नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा तू। अरे जाने भी दो प्रोफेसर साहब। अरे भाया के बात होवे जो भाई भाई लड़े मरे जा रहे हो? हैं? अरे मत बता, ऑल इंडिया बुलेटिन को सब खबर होवे। अरे घोर काल युग आ गया है टोपी वाले भाया। प्रेमिका छोटे की होवे और बड़े ने बटा रखी है घर में। अरे क्या कह रहे हो मुरली, प्रोफेसर तो प्रिंसिपल की लड़की से शादी करने वाला है। अरे शादी तो जब होवे तब होवे, अभी तो दोनों हाथ से लड्डू खावे हैं। घर तो आ गया मगर ये बिन मौसम बरसात कहाँ से आ गई? वो तो मजा आया था मगर ये कीचड़ कहाँ से आ गई? कीचड़ ही कीचड़ ए, और यहाँ भी कीचड़। देखा हमारे इंतजार में खड़े हैं, मैंने कहा था ना। अरे ये तो तालाब की झोंक की तरह मुझसे चिपट गए हैं। बगले की तरह एक टांग पर खड़े हैं। अरे सगाई हो जाएगी भाई। अरे पंडित से मुहूर्त तो निकलवा ले, हम लोग खानदानी लोग हैं। खानदानी लोग? हाँ। अरे सर अपने घर के अंदर झांक के देखो फिर मालूम पड़ेगा तुम्हारी क्या इज्जत रही है। सारा शहर तुम लोगों पर थूक रहा है। क्यों? वो तुम्हारी लाडली बहन थी ना जिसके साथ मेरी शादी की बात पक्की हुई थी, वो घर से भाग गई है। घर से भाग गई? हाँ, उस हराम के पिल्ले प्रोफेसर के साथ। तुम्हें ताज्जुब हो रहा है ना? विश्वास नहीं हो रहा है ना? अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो चलो मेरे साथ उस हराम जादे के घर में जहाँ तुम्हारी बहन उसके साथ ऐश कर रही है। अरे बगैरत, अगर तुम्हें जरा भी गैरत है, अपने खानदान और घर की इज्जत का ख्याल है तो मैं उसके पास जाऊँ। Thank you.
जाते जाते आखिरी मुलाकात के लिए आया हूं। मगर क्यों, किस लिए? अमर, इंसान को इंसान से इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए। आप हमें बर्बाद करने आए थे, आपने कर दिया। सारे शहर को हमारी तबाही का तमाशा दिखाने आए थे, दिखा दिया। इंसान की हर ख्वाहिश उसके जीते जी पूरी हो जाए तो उसकी जिंदगी स्वर्ग हो जाए, मगर अफसोस आदमी सोचता कुछ है, चाहता कुछ है और होता कुछ और। भूल से मेरे जज्बात मुझे इस शहर में खींच लाए, उस भूल के लिए मुझे माफ कर देना। ये लो। क्या है? तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। और उन लोगों ने जो मुझ पे इल्जाम लगाए थे, वो सब दौलत के बोझ तले दब गए। अब तुम पर ना कोई उंगली उठाएगा ना इल्जाम लगाएगा। मैंने उनकी मुट्ठी बंद कर दी है, कॉलेज को 5 लाख रुपए चंदा देकर। इस मेहरबानी का मतलब? कोई मतलब, कोई गर्ज नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जाते जाते कम से कम अपने आने के कुछ निशान तो मिटाते जाऊं, ताकि मेरे जाने के बाद तुम्हारे दिल में प्यार ना सही नफरत भी ना रहे मेरे वास्ते। तुम्हें हमेशा के लिए मालूम हो जाए मैं कौन हूं, तुम कौन हो और शांति मेरी कौन है। जिंदगी के अंधेरे में जो वर्षों से भटक रहा हो, उसे जहां भी उजाले की किरण नजर आती है वहीं चल पड़ता है। क्या बुरा किया जो मैं यहां चला? बहुत अच्छा किया जो तुम यहां आ गए। आज मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगा यहां से लौटकर कभी कोई वापस नहीं आता। विजय, ये क्या बकवास कर रहे थे? तुम हट जाओ भैया, आज इसके खून की एक एक बूंद पछताएगी कि ये यहां आया तो क्यों आया। खबरदार जो तूने इन पे गोली चलाई। आज आप तो क्या, मुझे भगवान भी नहीं रोक सकता। लेकिन मैं रोकूंगी, किसी को मारने से पहले मुझे मारना होगा। तुम और यहां, तुम यहां कैसे आए? मैं लाया हूं। तूने जो इंतकाम की आग में अंधे होकर अपने घर की इज्जत को जमाने की ठोकरों के लिए छोड़ दिया। लेकिन मैं अपनी मां की इज्जत के आगे किसी की कोई इज्जत नहीं समझता, और आज आज अपनी मां की बेइज्जती का बदला लेकर ही रहूंगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। तुम छोड़ दो मुझे। नहीं विजय, मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे। विजय, मैं वहीं रुक जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से गोली चल जाए। नहीं, तुम अपने भाई पर गोली नहीं चला सकते। अमर, भाई भाई की जान ले से बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं। चलाओ गोली, चलाओ। बिल्कुल चलेगी और तुम मरोगे। इस बार पिछली दफा की तरह मेरा निशाना नहीं चूकेगा, क्योंकि हर रोज मेरी मां की आत्मा मेरे जमीर को ललकारती है और कहती है कि धिक्कार है तुम पर, तू कैसा बेटा है जो अब तक अपनी मां के खून का बदला नहीं ले सका। अरे मेजर खुराना भी आई है, आज प्रोफेसर के इस नाजायज बाप को भी खत्म कर देंगे। चलाओ। सुन रहे हो ये आवाजें? कुदरत ने बस्ती के लोगों को तेरी मौत बनाकर भेज दिया है। अब ये सारे के सारे थोड़ी देर में इस घर में घुसकर चील कौओं की तरह तेरी बोटी बोटी नोच डालेंगे। ये तो अच्छा ही हुआ मुझे तेरे गंदे खून से अपने हाथ नहीं रंगने पड़े। विजय, विजय रुक जाओ। अर्चना, अर्चना बाहर आ, बाहर आ।
अर्चना। अरे वाह प्रोफेसर, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल, निकल बाहर, निकल निकल बाहर, मैं जा रहा हूँ। नहीं, अब तुम्हारा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा, मैं समझा लूंगा। अपने शहर के लोग, गुस्से से भरा हुआ मजमा किसी का नहीं होता। सुनिए, चुप हो जाइए, आप बीच में मत बोलिए। लेकिन बिरजू भैया, प्रोफेसर साहब के घर में हुल्लड़बाजी करना कहाँ की शराफत है? ये तो बताइए कि मामला क्या है। मामला ये प्रोफेसर नहीं है, राक्षस है। इसने मेरी बहन को फुसला कर अपने घर में बंद कर लिया है। कमीने, मेरी बहन को बाहर निकाल। मैं पूछता हूँ, शहर में पराए बहू बेटियों को इज्जत है कि नहीं? जी हाँ, आप जैसे शरीफ जादों के होते हुए बहू बेटियों की इज्जत रही कैसे सकती? अपनी जबान को लगाम लगा बूढ़े प्रोफेसर। अगर दो मिनट के अंदर अंदर प्रोफेसर ने इसकी बहन को बाहर नहीं निकाला तो मैं इस घर को जलाकर राख कर दूंगा। अर्चना, अपने भाई को समझाती हूँ। अर्चना, हमारे घर की बहू बेटियां मर्दों के पैर में नहीं बोलती। निकल बाहर, मेरी बहन को बाहर आने दे। निकल बाहर, निकल बाहर, बाहर निकल, निकल बाहर। क्या बात, मैं जान सकता हूँ आप लोग यहाँ किस लिए जमा है? प्रोफेसर के बच्चे। एक मिनट। वाह भाइयों वाह, इसे कहते हैं चोरी, उसके ऊपर सीना जोरे। प्रोफेसर साहब, आप शायद ये नहीं जानते कि शहर की किसी भी पराई लड़की पे जो हाथ रखता है ना, उस शख्स के हाथ हमेशा के लिए तोड़ दिए जाते हैं। मेरी बहन अर्चना तुम्हारे यहाँ है और तुमने उसे बंद कर रखा है। बिरजू भैया, अर्चना यहाँ है और वो इस घर में उसी तरह है जिस तरह आपके घर में आपकी बहन या बेटी होती है, उसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं। वाह 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 वाह, देखो इस बगला भगत को, बहन बेटी, लगता है ऐसे नहीं मानेगा। चलो हम अंदर चलते हैं। अरे अंदर कहाँ चलते हैं, सिवाय बिरजू के अंदर कोई नहीं आ सकता। खबरदार जो किसी और ने आगे कदम बढ़ाया। मारो इस हरामजादे को, मारो। रुक जाओ, रुक जाओ, मत मारिए इन्हें, मत मारिए। भैया, किस बात की सजा दे रहे हैं इन्हें? एक ऐसे इंसान को जो इंसान नहीं है, देवता है। देवता है जिसका ना कोई दीन ना धर्म, जिसे ना लोक लाज का डर, वो देवता है। हाँ, देवता है। लोक लाज का डर तो मुझे नहीं था, इन्होंने मेरी लाज बचाई है, मुझे सहारा दिया है। भैया, मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ, लानत है तुझ पर, सारे शहर में मेरी इज्जत को नीलाम करके रख दिया, मुझे कहीं का ना छोड़ा। बोल बोल, किसका पाप है, किसका पाप है ये? बोल बोल, किसका पाप है ये? बोल बोल, किसका पाप है ये? बोल, किसका पाप है ये? बोल, किसका पाप है ये? बेटे, बेटे, जो पाप मैं करना चाहता था वो विजय ने कर दिया। ये विजय कहाँ मिलेगा? चलो भाइयों, चलो जल्दी, चलो उसे खत्म कर देंगे, गंदगी को खत्म कर देंगे। चलो भाइयों, चलो जल्दी, चलो आओ, चलो। रुक जाओ, किसी ने भी हमारे बीच आने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। भैया, आज गिन गिन के बदला लेंगे, एक एक जुल्म का बदला लेंगे, एक एक बदनामी का बदला लेंगे। बोलते रहो। और तुम Bastard, तुम वही आवाज निकालो जो उस दिन तुमने मेरे आगे निकाली। बोलो Bastard, 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 B
Bastard! Haramzade! You bastard! Hot! Professor, तूने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मेरे सीने पे बास्टर्ड काट दिया, यानी कि सबके सामने मुझे हरामजादा बना दिया। प्रोफेसर, ये दुश्मनी तूने शुरू की थी, लेकिन मैं इसे खत्म करूंगा। और तूने मुझसे मेरी महबूबा छीन ली, मैं तुझसे तेरी जान छीन लूंगा। मैं तुम दोनों भाइयों को जान से मार दूंगा। वन बाय वन, यू बास्टर्ड। किस किस को मारोगे मेजर साहब? आज बस्ती का हर आदमी इनका दुश्मन है। दुश्मन बनाया किसने? तूने। तूने इन सब के दिलों में नफरत की ऐसी आग जलाई के कि ये सब इस जैसे नेक इंसान की जान लेने पर तुले हुए हैं। भाइयों, अगर कोई हिमालय की ऊंचाई को न समझे तो इससे हिमालय छोटा नहीं हो जाता। विजय बहक जरूर गया था, लेकिन वो अर्चना को दिलो जान से चाहता है। गलतियां तो देवी देवताओं से भी होती हैं। हम सब तो इंसान हैं। भाषण देना आसान है, मगर हकीकत यह है कि विजय ने मेरी बहन की इज्जत लूटी है और इसका बदला सिर्फ इसके खून से लिया जा सकता है। तुम विजय को मारना चाहते हो अर्चना, तो पहले इसे मारो, क्योंकि कल ये विजय के बच्चे की मां बनने वाली है, और तुम और तुम्हारा समाज इसके प्यार को गुनाह और इसके बच्चे को हरामी पुकारेगा। इसकी जिंदगी एक जिंदा चिता बन जाएगी। इसका भी वही अंजाम होगा जो शांति देवी का हुआ है। इससे पहले कि वही कहानी फिर दोहराई जाए, खत्म कर दो अर्चना को, जान से मार डालो इसे, फिर विजय का भी खून बहा देना। मारो, मार डालो इसे, ताकि अर्चना और उसके होने वाले बच्चे को जीते जी इस खोखले समाज की तंग रस्मों का नरक ना भोगना पड़े। खत्म कर दो इस कहानी को। चुप क्यों खड़े? मारो, केलो रिवॉल्वर और करो जो करना। प्रोफेसर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, बेटे, यही शब्द सुनने के लिए मैं जिंदा था। ये आपने क्या किया पिताजी? मेरे लिए आपने मेरे लिए तो मेरे जीवन का इससे अच्छा अंत और क्या हो सकता है? मुझे माफ कर दीजिए। मैं कितना खुशनसीब बाप हूं। अपने दोनों बेटों के बाहों में दम तोड़ रहा हूं।
दीप्ति, अर्चना, यहाँ